मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर लूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे? वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूं आप लोगों की तरह, गंगानाथ जी को गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था, 1154-55 से 3686 तक नौकरी की। गुरुदेव का आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूं। 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल किया। इजराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हजारों औरतें स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाते हैं। इस में बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की अहितु की कृपा के कारण से मेरे को एक सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूं। पहले बीकानेर में था, तो ये सूर्य नगर में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूं, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने कहा दुबे जी अपना से यह नहीं होगा, आने दो मार्केस। फिर उन्होंने कहा गायत्री जप से भी हो सकता है, तो मैंने किया वो बाकायदा एगो फिर धारण करके 1,25,000 जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधे से उस आंख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को, तो क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है,
डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, एक मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर आंख बंद थी। फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से, मैंने तो कंठ से जपा था सवा लाख, वो नाभि से जपा जा रहा है और सारे लीवर हार्ट ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह दिनकर, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। तो एक उसी तरह तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए उस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई, मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। नरसिंह अरविंद ने कहा कि मतलब हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये वेद, ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक आदि भौतिक आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज।